तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं लेट दिस ग्रीविंग सोल रिटायर के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम लोग सीधे इसकी वीडियो में। एपिसोड 2 की शुरुआत में देखने को ये मिलता है कि अगेन इनका बचपना दिखाई देने लगता है जब ये लोग पहुंचते हैं हंटर के हेडक्वार्टर पे। क्राई जो होता है बीवी जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसके दोस्त जो होते हैं उसे पुश करते हैं कि भाई तू लीड रहे हैं आगे चल। जब क्राई नहीं जाता है तो उसका जो दोस्त होता है ल्यूक, वो अंदर सीधे जाता है, लात मार के दरवाजा खोलता है और कह रहा होता है मेरा नाम है ल्यूक साइकॉल, मैं हूँ ग्रेट स्वॉर्ड्समैन इन वर्ल्ड। और जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है मेरा नाम है लिज स्मार्ट और मैं हूँ ग्रेटेस्ट थीफ इन वर्ल्ड और एज अ ट्रेजर हंटर हम लोग रजिस्टर करने वाले हैं। और वो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, क्राइज होता है वो शर्मा रहा होता है। अभी लोग रजिस्टर करने आए होते हैं और वो जो लड़की होती है वो कहती है अपने पार्टी नेम और क्रेस्ट अपना इस पे बनाओ, जो कि तुम्हारी पार्टी की वैल्यू जो है वो इस पे दिखाए, तुम टाइम ले सकते हो ये चीज सोचने में। तो यहाँ पे अब ये सोचता है कि भाई इतना घटिया नाम रखूंगा जिससे ये लोग मेरे को हटा देंगे और हमारी टीम जो है वो टूट जाएगी। और वो एक बहुत ही अजीब सा वहाँ पे क्रेस्ट बनाता है और नाम रखता है ग्रीविंग सोल, जो कि बिल्कुल भी इन लोगों के उस पर नहीं रहता है। उसके दोस्त जो होते हैं वो आर्ग्यू करने लगते हैं और क्रैज होता है वो कहता है कि देखा मैं कह ही रहा था ना कि मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं, मैं एक नाम भी नहीं रख सकता हूँ तो मैं मोटिवेट भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारा लीडर कैसे बन सकता हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। उसके दोस्तों को रियलाइज होता है, वो एकदम से बदल जाते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं नाम बहुत अच्छा है, वर्क करेगा और मजा आ रहा है। और नाम इनका अब रजिस्टर हो जाता है। इस तरह से ये पार्टी जो होती है वो रजिस्टर हो जाती है और इस तरह से ये टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो सब सामने आते हैं और इनका जो लीडर होता है वो बन जाता है क्राई एंड्री। और इसकी एपिक टेल्स जो होती हैं चारों ओर फैलने लगती हैं। फिर आ जाते हैं करंट स्टेट में और देखने को मिलता है जो क्राई होता है उसकी तारीफ कर रही होती है तीनों और कह रही होती है कि भाई तुम लोग इससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, ये वो इंसान है जिसको कहा जाता है 1000 ट्रिक और ये लेवल 8 का है, ये सबसे ऊपर है और तुम लोगों को इसके सामने घुटन पे आ जाना चाहिए। इसको ये सेकंड नेम दिया गया होता है 1000 ट्रिक क्योंकि इसकी जो काबिलियत होती है एज अ लीडर ऑफ ग्रीवर्स वो बहुत ज्यादा होती है। और ये जो सेकंड नेम दिया जाता है वो एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टीज होता है, स्टेटस होता है हंटर्स के बीच और इन लोगों को एज अ सेलिब्रिटीज ट्रीट किया जाता है और इससे बड़ा कोई प्रेज होता ही नहीं है हंटर्स में। हालांकि वो रेड वाला वाला लड़का जो होता है वो मानता नहीं है, वो कह रहा होता है तो क्या बात कर रहा है, तो इसकी शक्ल देख के लगता है कोई भी ट्रेन नहीं करता होगा, कुछ भी नहीं है। तीनों जो होती है वो कह रही होती है कि तू उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तूने अपनी 90% लाइफ जो है वो बर्बाद कर दी है। फिर क्राइज होता है वो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे हो, लेकिन क्या तुम लोग हेल्प करोगे टीनो को उसके जॉब के साथ। और अगेन ये जो रेड वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है तू पागल है, मेरे पिछवाड़े से तू होगा लेवल 8, मुझे मतलब नहीं है और मैं तेरी बात क्यों सुनूंगा, और तू अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो क्यों ना तू मेरे से लड़े और मैं देख लेता हूँ कि तू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर ये कहता है ठीक है, फिर ये कहता है कि छोड़ मैं तेरे से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और पूछता है क्रैग और रूडा क्या तुम दोनों हेल्प करोगे टीनों की, और वो दोनों एग्री कर जाते हैं। तो ये कहता है कि चलो गिलवर्ट तेरे ऊपर गिव अप करता हूँ और तू नहीं जाएगा। और वो टीनो के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि टीनो अगर तुझे किसी की हेल्प चाहिए तो तू किसी और को भी ले सकती है प्लान बी से। और उसके बाद ही चला जाता है तो अगेन वो चैलेंज करता है अपनी तलवार निकाल के और वो सामने आ जाती है तलवार के और कहने लगती है तू क्या फालतू बात कर रहा है, मास्टर थोड़ा ना फाइट करेंगे, तो जैसे से अगर तुझे इतना ही लड़ने का शौक है तो क्यों ना मैं देख लेती हूँ तेरे। अटीनो जो होती है वो लड़ने के लिए तैयार होती है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही होती है। और गिलबर्ट जो होता है वो कहता है एक बार मैं इसको हरा दूंगा तो फिर मैं तेरे से लड़ने आता हूँ। अब देखने को ये मिलता है अब तीनों जो होती है वो तैयार होती है बेयर हैंडेड। गिलबर्ट को लगता है कि भाई वो लड़की बिना अपने वेपन के लड़ रही है, तो वो भी अपना वेपन रख देता है और लड़ने के लिए तैयार होता है। और यही क्राय को पता होता है कि ये भाई बेवकूफ है, ये यहाँ पे हार चुका है जैसे इसने स्वॉर्ड नीचे रखी है। तीनों जो होती है वो मूव करने लगती है, एक ही झटके में गिलबर्ट के पास पहुंचती है और एक सीधे उसके गले पे अटैक मारती है। गिलबर्ट डॉज करने में कामयाब है, लेकिन उसकी लात पड़ती है सीधे उसके मुंह पे और वो जाके दीवार में टकराता है। हालांकि गिलवर्ट गिव अप नहीं करता है लड़ने के लिए, फिर आगे बढ़ता है, वो अपने पैर के अंदर फंसाती है, लॉक देती है और वो ब्लैकआउट होने ही वाला होता है, उसे नीचे गिरा देती। हालांकि वो फिर कोशिश करता है लड़ने की, लेकिन वो पीछे से चॉप करती है और उसे नीचे गिरा देती और ये अब फ्रस्ट्रेटेड होता है और उसे याद आ रहा होता है बचपन का वो वक्त जब वो तैयारी कर रहा था हंटर बनने की और सबको हराता रहता था। वो गिव अप हुआ था ताकि वो कैपिटल आ सके और यहाँ पे लड़ सके और ट्रेजर वॉल को क्लियर कर सके, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके इस पूरी जगह पे। हालांकि उसके साथ ऐसा नहीं होता है। टीन उसके सामने आती है और कह रही होती है क्या तेरा बेवकूफ वाला प्राइड है और कुछ नहीं तो तू अब तक 3 बार मर चुका होता। फिर अब क्राइज होता है और कहता है सुन क्या बात कर रहा है तू, तूने अपनी पार्टी छोड़ी थी क्योंकि तुझ में और तेरी पार्टी में पावर डिफरेंस जो था वो बहुत बड़ा, जो तेरे साथ वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा ग्रेट थे तेरे से, इसीलिए तूने पार्टी छोड़ी थी ना, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है, मेरे को मेरी टीम कैरी कर रही है, वो बन में सोचने लगता है। और गिलबर्ट को समझ में आ जाता है कि भाई लेवल 8
थाउजेंड ट्रिक, किसी न किसी वजह से इसको कहा जाता है। फिर वो तलवार को देखता है और उसको एहसास होता है, वो एक लात मारता है तलवार पे, उसके अंदर से माना निकलने लगता, आग जलने लगती है और वो कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको देख के सारे लोग शॉक होते हैं। इवन उस लड़की को भी पता होता है कि भाई इस तरह की पावर तो उसने भी कभी नहीं डेवलप की है इस तलवार से, और उसको अब ये मॉन्स्टर लगता है। उधर देखने को मिलता है कि भाई अब थोड़ी बहुत जो ये माना स्टोन वाली बात होती है उसके बारे में बात हो रही होती है, और ये पढ़ रहा होता है सारी चीजों को अखबार में, और सोच रहा होता है उतने में जो इसके असिस्टेंट होती है वो आ रही होती है और कह रही होती है कि तुमने टीनू को उन लोगों के साथ क्यों भेज दिया, न्यूवीज के साथ। तो ये कहता है थ्री लेवल का ही तो है और वो चार लोग हैं, आराम से संभाल लेंगे, और टीनू वैसे भी लेवल हेडेड है तो वो वैसे भी चीजें संभाल सकती है। और वो थैंक यू बोलता है गिलबर्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिर वो अपने रेलिक्स के बारे में बात करने लगता है, जो उसकी अंगूठियां होती हैं वो अलग अलग रेलिक्स होती हैं, और वो लड़की जो होती है वो कहती है तू फालतू अपने पैसे खर्च क्यों करता है रेलिक्स के ऊपर। हालांकि इसके पास बहुत सारी अंगूठियां होती हैं और जिसमें ये स्टोर करता है ये सारी एनर्जीज को, भूल चुका होता है अपने रेलिक्स को चार्ज करना, तो वो जाता है दो लोगों के पास जो कि उसके चार्ज कर रहे होते हैं रेलिक को। उतने में देखने को ये मिलता है कि जो ईवा और आर्क होते हैं वो बात करने लगते हैं अबाउट ये जो नया वाला टास्क लिया है इन लोगों ने, और पता चलता है कि जो एक पार्टी गई थी जिसमें तीन लेवल थ्री के लोग थे वो वहां पे हार चुके थे। उसके बाद दूसरी पार्टी गई थी जो कि लेवल फाइव की थी, वो भी फैंटम्स ने हरा दिया था। ये जो फैंटम है ये वुल्फ फॉर्म का है, और वो जो पार्टी है वो अभी भी मिसिंग। और व्हाइट वुल्फ डेन जो है वो, उसके बारे में रिपोर्ट ये है कि जो ये फैंटम है इसका लेवल बढ़ा हुआ है, और ये जो टास्क है इसका भी लेवल ये लोग बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे। फिर ये बोलने लगता है यार मैंने टीनू को तो वहाँ भेज दिया है, और ये दोनों शॉक में होते हैं और कह रहे होते हैं कि मास्टर तू अभी भी बहुत ज्यादा टफ है अपने साथियों के लिए। लेकिन अब इसको चिंता हो रही होती है, ये बाहर जाता है, घबराया रहता है, उसको एहसास होता है कि भाई गिलबर्ट ने अपने वो जो तलवार थी उसको चार्ज किया अभी था कि नहीं किया था। और उधर देखने को मिलता है जो पूरी पार्टी होती है उधर तैयारी करके आगे जा रही होती है, देखने को ये मिलता है सारे लोग घबराए होते हैं लेकिन टीनू आराम से निकल रही होती है आगे, और उनको कहती है कि तुम बस फॉलो करो बाकी मैं संभाल लूंगी चिंता मत करना। और उसके हिसाब से जो ये सारी चीजें होती हैं ये कैलकुलेटेड होती हैं, उसका मास्टर सारी चीजें ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा रहता है। अब देखने को मिलता है क्राइज होता है, वही बुक निकालता है, दरवाजा खोलता है और वो अंडरग्राउंड जाता है, वहां पे जितने भी उसके रिलैक्स होते हैं उसको उठाने लगता है क्योंकि अब वो तैयारी करता है वहां जाने की, क्योंकि वहां खतरा कभी भी आ सकता है। देखने को मिलता है कि उन लोगों के पास वो फैंटम जो होता है बड़ा सा वो आ जाता है, वो होता है वुल्फ की फॉर्म में और वो पावरफुल होता है, उसके पास स्वॉर्ड भी होती है, आर्मर भी होता है, ये एक रेगुलर वुल्फ की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होता है। टीनू कहती है मास्टर आप मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हमेशा चले जाते हो। और उधर क्राइज होता है, वो उठा रहा होता है चीजों को और अब यहाँ से जाने वाला होता है। उसकी जो असिस्टेंट होती है वो खुश होती है, कह रही होती है कि तुझे अपने पूरे कैलकुलेशन के बाद भी तुमके बारे में परेशान हो रहा है। सही कहता है नहीं नहीं मैं बस टहलने के लिए जा रहा हूँ, और वो स्ट्रेली स्लाइम जो होती है वो उठा लेता है। अब ये यहाँ से निकलने वाला होता है, बाहर जाता है और जाके चेक करना चाहता है, अपना मास्क वास्क पहनता है, तैयार होता है, देखने को ये मिलता है चमकदार चीजें होती हैं, हवा में उड़ता है और पता चलता है कि भाई जो ये रेलिक है ये बहुत ही अलग है क्योंकि ये ऑलरेडी ह्यूमन मिसाइल इंसिडेंट हुई थी जहाँ पे ह्यूमन मर जाते हैं इसको यूज करने वाले, और क्योंकि इसके अंदर जीरो सेफ्टी होती है, कोई ब्रेक्स नहीं होते, कोई स्टीयर्स नहीं होता है, और ये एक डिफेक्टिव मटेरियल है। हालांकि वही इस्तेमाल करके नाइट हैकर बन के ये मूव कर चुका होता है। वहां पूरी पार्टी तैयार होती है लड़ने के लिए और क्राइज होता है, उड़ता हुआ आगे छा रहा होता है, और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो भाई बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो एपिसोड जो था काफी ज्यादा बढ़िया और काफी एंटरटेनिंग भी। तो इस वीडियो में इतना रखेंगे, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।